यस बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। सो बेटा, टुडे वी विल डिस्कस गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको गॉस थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए थे कि गॉस थ्योरम कब अप्लीकेबल होगी, गॉस थ्योरम किन किन कंडीशंस में लगती है, और गॉस थ्योरम के अंदर जो गॉसियन सरफेस होता है वो हम स्फेरिकल ही क्यों लेते हैं। तो अब हम आज गॉस थ्योरम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट, दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट इनसाइड क्लोज्ड सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। The surface on which we apply Gauss theorem is known as Gaussian surface. तो हमने last lecture में Gauss theorem की statement discuss की थी। Gauss theorem की statement proper way से हमने discuss की थी, understand की थी। तो अब Gauss theorem के अंदर जो closed surface होगा, जिसके ऊपर Gauss theorem लगेगी, उस closed surface का हम क्या नाम रखेंगे, that is Gaussian surface। और Gaussian surface अगर spherical होगा तो उस Gaussian surface पे अलग अलग points में हमें E की value कैसी मिलेगी, same मिलेगी। और अलग अलग points पे अगर हम direction निकालेंगे किसके बीच में, E और DS के बीच में, तो वो हमें simple method से easily मिल जाएगी। इसका meaning अलग अलग points पे E और DS के बीच में जो angle आएगा वो हम easily find out कर सकते हैं, वो हम easily find out कर सकते हैं। Now अब गॉस थ्योरम कहां कहां लगती है। गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो आपके चार्जेस सिमेट्रिकल वे से डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो गॉस थ्योरम हम लगा पाएंगे। तो गॉस थ्योरम आपका कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में हमें इजी वे से इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर देगा। इसका मीनिंग कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस आएंगी, कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आएंगी जहां पर कूलम्स लॉ से अगर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो टाइम ज्यादा लगेगा, बट अगर हम गॉस थ्योरम से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो टाइम आपका कम लगेगा। तो गॉस थ्योरम हमारा टाइम सेव करेगा और कूलम्स लॉ में हमारा टाइम ज्यादा लगेगा इन फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेशल केसेस। तो गॉस थ्योरम आपकी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में अप्लीकेबल होगी, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो इसका मीनिंग व्हेन चार्जेस आर अरेंज्ड along a line in uniform way, then we can apply Gauss theorem. When charges are arranged on plane sheet in uniform way, then we can apply Gauss theorem. When charges are applied on outer surface of any sphere in uniform way, then we can apply Gauss theorem. तो Gauss theorem आपकी conducting sphere में भी लग सकती है, Gauss theorem आपकी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में भी लग सकती है। तो ये सारी कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम ये चेक करेंगे कि गॉस थ्योरम आपका कूलम्स लॉ के इक्विवेलेंट कैसे है। हम ये कैसे कहते हैं कि गॉस थ्योरम इज अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ऑफ कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ आपका गॉस थ्योरम के इक्विवेलेंट कैसे है। इसका मीनिंग हम गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ को फाइंड आउट कर सकते हैं और कूलम्स लॉ से हम कूलम्स लॉ से हम गॉस थ्योरम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब चेक करते हैं कि जो गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट है वो कूलम्स लॉ से कैसे प्रूव होगी। अभी चेक करते हैं कि गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट कूलम्स लॉ से कैसे प्रूव होगी। तो उसके लिए हमें नेम लिखना है आर्टिकल का कि गॉस थ्योरम From Coulomb's law। तो इसके लिए हमें पॉइंट चार्ज बेटा एज्यूम करना है प्लस क्यू। अब प्लस क्यू आपका पॉइंट चार्ज है, तो इस केस में हमें अगर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू मिला है तो प्लस क्यू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे एमिट करेगा स्पेस के अंदर, इन आउटवर्ड डायरेक्शन। आपको मालूम होगा
जो प्लस क्यू चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसी होती हैं? इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो अब हम इस प्लस क्यू चार्ज को किसी इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस के अंदर एज्यूम करेंगे, तो हम प्लस क्यू चार्ज के अराउंड एक इमेजिनरी क्लोज बाउंड्री, एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस एज्यूम कर लेंगे। अब हम प्लस क्यू के अराउंड एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस एज्यूम कर लेंगे। नाउ टेक ए पॉइंट ए एट एलिमेंट्री सरफेस एलिमेंट। एलिमेंट्री सरफेस एलिमेंट का मीनिंग a small fraction of surface area of imaginary closed surface ka ek smallest fraction maine le liya, that smallest fraction is known as surface element and it is ds. ab ds ko agar vector form mein likhoge to ye ban jayega area vector. now ds is equal to ds into its unit vector अब चेक करो ए पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है, आउटवर्ड है, और आपको मालूम है एरिया वेक्टर हमेशा हर सरफेस से कहां निकलेगा, इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहां डीएस भी कैसा आएगा, इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो अब यहां पर हम ई को लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू वेक्टर आर, एंड डीएस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, डीएस इंटू एन कैप। तो ये आपका ds वेक्टर है, दैट इज ds इसका मैग्नीट्यूड और n कैप इसकी डायरेक्शन। तो अब हम गॉस थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने कैसे ली है, e डॉट ds। अब यहां e की वैल्यू पुट करो बेटा, दैट इज k क्यू अपॉन r क्यू इंटू वेक्टर r, एंड हेयर वी हैव वेक्टर ds। अब चेक करो वेक्टर r और वेक्टर ds बोथ आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड है या दोनों आपके अपोजिट हैं, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ds भी कहां निकल रहा है, आउटवर्ड, और e भी कहां निकल रही है, आउटवर्ड। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है बेटा, 0 डिग्री। एंगल बिटवीन वेक्टर r एंड ds दैट इज 0 डिग्री। तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, e डॉट ds इज इक्वल टू k क्यू अपॉन r क्यू r डॉट ds इंटू cos 0। तो ये मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया बेटा, जो 11th क्लास में था, a डॉट b वाला, इट इज a b cos थीटा। इसका मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हमारा मैग्नीट्यूड, दैट इज के क्यू अपॉन आर क्यू। नाउ सेकंड वेक्टर हमारा क्या है, सेकंड वेक्टर हमारा ds वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड मैंने क्या ले लिया, दैट इज ds। सो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, दैट इज b। नाउ इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, दैट इज a। तो a डॉट b किसके इक्वल होगा, a b cos थीटा, और दोनों के बीच में कितना एंगल है बेटा, 0 डिग्री। दोनों के बीच में कितना एंगल है, दैट इज 0 डिग्री। तो अब चेक करके बताओ e डॉट ds किसके इक्वल आ रहा है, e डॉट ds a कार कैंसिल, इट बिकम्स k क्यू अपॉन r स्क्वेयर इंटू ds। आप चेक कर सकते हो क्या आंसर आया है e डॉट ds का, दैट इज k क्यू अपॉन r स्क्वेयर इंटू ds। तो अब हम ये वैल्यू यहां पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर किस साइड में पुट करेंगे, इन लेफ्ट हैंड साइड। नाउ इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस k क्यू अपॉन r स्क्वेयर इंटू ds। अब चार्ज भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर बाहर आ जाएगा बेटा, अंदर क्या बचेगा ds। नाउ टेल मी k
क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू फोर पाई आर स्क्वेयर, इट बिकम्स फोर पाई आर स्क्वेयर। तो अब चेक करो बेटा, जो लेफ्ट हैंड साइड है गॉस थ्योरम की, जो लेफ्ट हैंड साइड है गॉस थ्योरम की, दैट इज ई डॉट डी एस, वो किसके इक्वल आ रही है, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू फोर पाई आर स्क्वेयर इंटू फोर पाई आर स्क्वेयर। नाउ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, के की वैल्यू पुट करो बेटा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वेयर इंटू फोर पाई आर स्क्वेयर। फोर पाई से फोर पाई कैंसिल, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया बेटा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने यहां पर कूलम लॉ अप्लाई किया और लास्ट में हमने किसको वेरीफाई कर दिया, गॉस थ्योरम को हमने वेरीफाई कर लिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मीनिंग कूलम्स लॉ हमने कहां लगाया, हमने कूलम्स लॉ यहां लगाया, हमने ई की वैल्यू फाइंड आउट की, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। इसका मीनिंग यहां पर हमने कूलम्स लॉ लगाया और कूलम्स लॉ के अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का लगाया फॉर्मूला और अपॉन क्यू नोट किया, तो हमें क्या आंसर मिला, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो ये जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये फार्मूला बेसिकली किससे आया था, दैट इज एफ अपॉन क्यू नोट से। तो हम यहां एक क्यू नोट एज्यूम करेंगे, फिर हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स का फार्मूला यहां पुट करेंगे, नीचे क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, क्या आंसर मिलेगा हमें, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर इंटू वेक्टर आर। तो हमने यहां पर कूलम्स लॉ लगाना है और कूलम्स लॉ लगाने के बाद फिर हमें गॉस थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर की वैल्यू पुट करनी है और फिर उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है नहीं आ रही है। इसका मीनिंग कूलम्स लॉ एंड गॉस थ्योरम बोथ आर इक्विवेलेंट, बोथ आर इक्विवेलेंट। आपका ये जो एविडेंस था कि गॉस थ्योरम आपका कूलम्स लॉ के इक्विवेलेंट है, वो यहां पर एविडेंस आपका प्रॉपर वे से प्रूव हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि यहां पर कूलम्स लॉ को हम गॉस थ्योरम के इक्विवेलेंट अज्यूम कर सकते हैं, हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स कैसे करेंगे, हम गॉस थ्योरम के अंदर से कूलम्स लॉ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, गॉस थ्योरम फ्रॉम कूलम्स लॉ, तो अब हम क्या करेंगे, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो हम यहीं पर कर सकते हैं, ये कैसे करेंगे, अभी कर सकते हैं हम ये। तो हम कैसे करेंगे, अब यहां पर बेटा वही सेम मेथड है, ई को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा डीएस, और यहां क्या है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या आएगा, दैट इज फोर पाई आर स्क्वेयर एंड इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू फोर पाई आर स्क्वेयर इंटू फोर पाई आर स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, ई की वैल्यू क्या होती है, एफ अपॉन क्यू नॉट, एंड नाउ इट इज क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी विल हैव वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वेयर। नाउ इट इज कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, नाउ इट इज कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो इस टाइप से हम कूलम्स लॉ को गॉस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एविडेंस ऑफ इक्विवेलेंट नेचर बिटवीन गॉस थ्योरम एंड कूलम्स लॉ। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि गॉस थ्योरम और कूलम्स लॉ दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हैं, दोनों को हम एक दूसरे से ड्राइव कर सकते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हैं और हम इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंस बना सकते हैं। सो बोथ आर इक्विवेलेंट विथ ईच अदर। नेक्स्ट मैटर ऑफ डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम गॉस थ्योरम, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम गॉस थ्योरम। नंबर वन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम गॉस थ्योरम,
तो सबसे फर्स्ट कंक्लूजन क्या है गॉस थ्योरम का कि अगर हम किसी भी क्लोज्ड सरफेस को यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे. नाउ इफ वी प्लेस्ड क्लोज्ड सरफेस इन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन टोटल फ्लक्स फ्रॉम क्लोज्ड सरफेस विल बी जीरो. तो अगर आप किसी भी क्लोज्ड सरफेस को यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा फ्रॉम दैट क्लोज्ड सरफेस दैट विल बी जीरो. तो हमने क्या लिखा क्लोज्ड सरफेस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन टोटल फ्लक्स फ्रॉम क्लोज सरफेस विल बी जीरो. अब चेक करते हैं कि अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी क्लोज्ड सरफेस को रखेंगे तो वो जो क्लोज सरफेस होगा आपका चार्ज एनक्लोज नहीं करेगा. चेक करो ध्यान से, अगर हम किसी क्लोज्ड सरफेस को यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो जो क्लोज सरफेस होगा वो जो क्लोज बाउंड्री होगी वो किसी भी टाइप का चार्ज एनक्लोज नहीं करेगी. सो दैट चार्ज इनसाइड दैट क्लोज्ड सरफेस विल बी जीरो. तो अगर किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर किसी क्लोज्ड बाउंड्री के अंदर चार्ज आपका प्रेजेंट ही नहीं होगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर जीरो आएगी. इसका मीनिंग अगर किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज प्रेजेंट ही नहीं होगा तो वहां पर उस क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स क्या होगा जीरो होगा. इसका मीनिंग अब हम यहां ये चेक करेंगे कि अगर इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर नंबर ऑफ लाइंस एंटर भी इक्वल कर रही हैं और नंबर ऑफ लाइंस आपकी लीव भी इक्वल नंबर में कर रही हैं, इसका मीनिंग नंबर ऑफ लाइंस एंटर और नंबर ऑफ लाइंस अगर लीविंग सेम होंगी तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स आपका इस सरफेस का जीरो हो जाएगा. चेक करो, एक लाइन आपकी एंटर कर रही है और एक ही लाइन आपकी यहां से लीव कर रही है, इसका मीनिंग नंबर ऑफ लाइंस एंटर और नंबर ऑफ लाइंस लीविंग फ्रॉम द सरफेस अगर सेम है तो इसका मीनिंग टोटल फ्लक्स इन क्लोज्ड बाउंड्री टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस विल बी जीरो. तो इसके दो बेटा मेथड है प्रूव करने के. अगर किसी क्लोज्ड सरफेस को अगर आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके अंदर अगर चार्ज की वैल्यू जीरो होगी तो उसका टोटल फ्लक्स जीरो होगा. ये तो एक मेथड है. नंबर टू मेथड क्या है बेटा कि नंबर ऑफ लाइंस एंटर और नंबर ऑफ लाइंस लिविंग अगर सेम है तो उस क्लोज्ड बाउंड्री के अंदर उस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी जीरो, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस जो एंटर कर रही हैं और जो नंबर ऑफ लाइंस यहां से बाहर निकल रही हैं अगर वो सेम है तो एक फ्लक्स कैसा आएगा पॉजिटिव और एक फ्लक्स कैसा आएगा नेगेटिव. मैंने आपको बताया था कि जब भी लाइन आपकी एंट्री करेंगी तो वहां पर इनवर्ड फ्लक्स बनेगा और जब लाइंस यहां से बाहर निकलेंगी तो फ्लक्स कैसा होगा आउटवर्ड फ्लक्स होगा. और इनवर्ड फ्लक्स कैसा होता है नेगेटिव और फ्लक्स आपका आउटवर्ड कैसा होता है पॉजिटिव. दोनों फ्लक्स को आप ऐड करोगे तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा दैट इज जीरो. तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी किसी सरफेस के अंदर जो लाइंस आएंगी वो लाइंस अगर
जब सरफेस से बाहर निकलेंगी तो दोनों केस में अगर नंबर ऑफ लाइंस सेम होंगी, नंबर ऑफ लाइंस एंटर इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस लिविंग, तो उस केस में टोटल फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। टोटल फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर मैं इसके ऊपर गॉस थ्योरम लगाऊंगा तो गॉस थ्योरम कैसे लगेगी, दैट इज ई डॉट डी एस, क्यू इन साइड जीरो है, जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट मीन्स फ्लक्स इक्वल टू जीरो, इट मीन्स फ्लक्स इक्वल टू जीरो। तो ये तो आपका केस था व्हेन वी प्लेस्ड क्लोज्ड सरफेस इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। अब अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इसके अंदर हमने एक क्लोज्ड सरफेस को इस टाइप से रखा है, तो आप इस क्लोज्ड सरफेस को आप चेक करो ध्यान से, हमने एक क्लोज्ड सरफेस को किस में रखा है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में रखा है। तो अब इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कहीं पे भी कोई चार्ज एंक्लोज्ड नहीं है, इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, इस क्लोज्ड सरफेस में अगर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा तो अगर हम यहां पर गॉस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा, ई डॉट डी एस क्यू इन साइड, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Now, Q inside आपका जीरो है तो क्या आंसर आएगा, जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज जीरो। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, जीरो आएगी। सो दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ गॉस थ्योरम। तो अब अगला कंक्लूजन क्या निकला गॉस थ्योरम का, कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस का निकालना है तो नंबर वन कंडीशन क्या है कि चार्ज का क्लोज्ड सरफेस के अंदर प्रेजेंट होना नेसेसरी है, एसेंशियल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप किसी क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स निकालोगे तो चार्ज का क्लोज्ड सरफेस के अंदर प्रेजेंट होना जरूरी है। नंबर टू, अब अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है उसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है तो यहां पर फ्लक्स का क्या आंसर आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट मींस Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब अगर इस केस में चार्ज आपका क्लोज सरफेस के सेंटर में नहीं है, कहीं और है, तो भी आपका फ्लक्स का आंसर क्या आएगा, फ्लक्स इक्वल टू Q inside अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी फ्लक्स आपका वही आएगा सेम, Q inside अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें इससे कंक्लूजन ये मिला कि जो चार्ज है उसकी पोजीशन क्लोज्ड बाउंड्री के अंदर कुछ भी हो सकती है। तो चार्ज आपका क्लोज बाउंड्री के अंदर कहीं पर भी हो सकता है, उससे फ्लक्स पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, फ्लक्स पे कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो चार्ज कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इनसाइड क्लोज बाउंड्री, देयर इज नो इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो अब ये तो आपका केस हो गया किसको लेके, पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन को लेके कि इसकी पोजीशन क्लोज बाउंड्री के अंदर कहीं भी हो सकती है, तो इससे फ्लक्स पे कोई डिफरेंस कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसका मीनिंग फ्लक्स विल रिमेन सेम। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, अगर हमारे पास इस टाइप से कोई हेमिस्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस है और उसके सेंटर पे क्या है प्लस क्यू है, तो इस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, इट इज 1 अपॉन 2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रीजन क्या है बेटा, अगर मैं इस हेमिस्फेरिकल बाउल को कंप्लीट स्फेरिकल बनाऊंगा,
तो मेरा टोटल फ्लक्स क्या आएगा, टोटल फ्लक्स क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर कंप्लीट स्फीयर। अब अगर मैं इसको हेमिस्फेरिकल सरफेस में चेंज करूंगा, अगर मैं इसको हेमिस्फेरिकल सरफेस में चेंज करूंगा तो मैं इसको ऐसे ऊपर से रब कर दूंगा तो अब ये बन जाएगा हेमिस्फेरिकल बाउल। अब इस केस में क्या होगा कि जो फ्लक्स आपका इस क्लोज्ड बाउंड्री में से बाहर आएगा, जो फ्लक्स आपका इस क्लोज बाउंड्री में से बाहर आएगा वही फ्लक्स आपका काउंट होगा, वही फ्लक्स आपका काउंट होगा। इसका मीनिंग जो फ्लक्स आपका ओपन स्पेस में निकलेगा, जो लाइंस आपकी ओपन स्पेस में से निकलेंगी वो लाइंस आपकी इस हेमिस्फेरिकल बाउल के फ्लक्स में काउंट नहीं होंगी, वो आपकी इस हेमिस्फेरिकल बाउल के फ्लक्स में काउंट नहीं होंगी। इसका मीनिंग जो ऊपर वाला फ्लक्स था वो आपका टोटल में से माइनस हो जाएगा, तो रिमेनिंग फ्लक्स क्या बचेगा हमारे पास, 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी टाइप से अगर मेरे पास कोई सिलेंड्रिकल क्लोज्ड सरफेस है और अगर उसके सेंटर में प्लस क्यू है तो यहां पर फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मीनिंग क्लोज्ड सरफेस आपका किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है, साइज डज नॉट मैटर, शेप डज नॉट मैटर, प्रोवाइडेड सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड इन नेचर, सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड, अदरवाइज वी कैन नॉट अप्लाई गॉस थ्योरम, वी कैन नॉट फाइंड आउट फ्लक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, सरफेस क्लोज होना चाहिए और सरफेस अगर क्लोज होगा देन वी कैन अप्लाई गॉस थ्योरम, और सरफेस का साइज कुछ भी हो, सरफेस की शेप कुछ भी हो। अब इस केस में बोलो फ्लक्स का क्या आंसर आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप चेक करो, इसी टाइप से अगर मैं इसको ऊपर से ओपन कर दूं, तो अब क्या होगा, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी ओपन स्पेस में जाएंगी विदाउट क्रॉसिंग फ्रॉम एनी क्लोज्ड सरफेस। आप चेक करो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं, जो स्पेस में जा रही हैं, जो ऊपर एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, इन लाइंस के लिए आपने यहां पर किसी भी टाइप की क्लोज बाउंड्री नहीं बनाई है, तो क्लोज बाउंड्री आपकी एक नीचे बनी हुई है, तो इसमें से जो नंबर ऑफ लाइंस बाहर निकलेंगी ये बनाएंगी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस क्लोज बाउंड्री, दिस इज एरिया ऑफ क्लोज बाउंड्री। तो अब यहां पर जो फ्लक्स का आंसर आएगा फ्रॉम दैट गिवन क्लोज बाउंड्री, उसका आंसर क्या आएगा, 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इस सिलेंड्रिकल बॉडी को ऊपर से कंप्लीट करोगे, ऊपर से क्लोज करोगे, देन वी विल हैव क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर आप इसको ऊपर से ओपन कर दोगे तो यहां पर विदाउट एनी क्लोज बाउंड्री ये फ्लक्स आपका काउंट नहीं होगा, सिर्फ फ्लक्स आपका नीचे वाला काउंट होगा। डेफिनेशन क्या है फ्लक्स की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया, देन इट इज 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मीनिंग जो क्लोज्ड सरफेस है, वो कोई भी साइज कैरी कर सकता है, कोई भी शेप कैरी कर सकता है, बट वो हमेशा अगर क्लोज होगा तो फ्लक्स आपका मैक्सिमम आएगा, वो अगर किसी एंड से ओपन होगा तो उस ओपन एंड का फ्लक्स हम काउंट नहीं करेंगे, तो हमारे लिए फ्लक्स किसका आएगा, द लाइंस पासिंग फ्रॉम एनी स्पेसिफिक क्लोज्ड सरफेस। तो आप चेक करो कि क्लोज्ड सरफेस की शेप कुछ भी हो सकती है, प्लस क्यू है इस क्लोज बाउंड्री के अंदर, तो प्लस क्यू आपका यहां पर फ्लक्स क्या बनाएगा, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चेक कर लो जो आपका क्लोज्ड सरफेस है उसकी शेप अनइवन है, शेप कैसी भी हो सकती है, साइज कैसा भी हो सकता है, बट अगर प्लस क्यू चार्ज आपका क्लोज्ड बाउंड्री के अंदर है तो फ्लक्स बनेगा, और फ्लक्स का आंसर क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस टाइप से हम गॉस थ्योरम के कंक्लूजन्स को डिस्कस कर सकते हैं, नाउ
Next we have some basic numericals on electric flux. Next we have some basic numericals on electric flux. तो अब हम electric flux पे कुछ basic numerical करेंगे. चेक करते हैं numerical कैसे करेंगे हम. अगर हमारे पास एक imaginary cubical body है, अगर हमारे पास एक इमेजिनरी क्यूबिकल बॉडी है और इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है, तो आप चेक करके बताओ जो आपका क्लोज्ड सरफेस है वो कैसा है, क्यूबिकल है. बेटा क्यूबिकल है. अब प्लस क्यू अपनी लाइंस कैसी एमिट करेगा, इन आउटवर्ड डायरेक्शन. अभी चेक करके बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसी हैं, आउटवर्ड है या इनवर्ड है. देखो बेटा लाइंस कैसे निकल रही हैं, इन आउटवर्ड डायरेक्शन. तो यहां फ्लक्स कौन सा बनेगा, इनवर्ड बनेगा फ्लक्स या आउटवर्ड बनेगा. अगर लाइंस आपकी आउटवर्ड है तो फ्लक्स भी कैसा होगा, आउटवर्ड ही होगा. और अगर फ्लक्स आपका यहां आउटवर्ड है तो इसका मीनिंग फ्लक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा. आप चेक करो ये जो आपका क्लोज्ड सरफेस है, इसकी शेप कैसी है, क्यूबिकल है. तो आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन साइज एंड शेप ऑफ क्लोज्ड सरफेस. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस के साइज पे शेप पे डिपेंड नहीं करेगा. तो यहां पर फ्लक्स का आंसर क्या आएगा, दैट इज q upon epsilon naught. अब ये चेक करके बताओ इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को कितने फेस, फेसेस अपने अंदर से पास करा रहे हैं. मैं रिपीट कर रहा हूं कि कितने फेसेस में से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी पास हो रही हैं. क्यूब के अंदर बेटा कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं, कितने होते हैं, दैट इज 6 फेसेस. तो क्यूब के अंदर हमारे पास 6 फेसेस होते हैं और 6 फेसेस में से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी बाहर आ रही है. इसका मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आर कमिंग आउटवर्ड फ्रॉम द 6 फेसेस ऑफ क्यूबिकल बॉडी. इसका मीनिंग 6 फेसेस का जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल है, दैट इज फ्लक्स ऑफ 6 फेसेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और अगर हमें एक फेस का निकालना है फ्लक्स तो क्या आंसर आएगा, 1/6 अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1/6 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इसका मीनिंग क्यूबिकल बॉडी के अंदर हमारे पास सिमेट्रिकल 6 फेसेस हैं. तो अगर 6 फेसेस का फ्लक्स q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो एक फेस का बोलो फ्लक्स क्या आएगा, 1/6 q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1/6 q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो एनसीईआरटी का बेटा एक क्वेश्चन है कि हमें एक स्क्वायर प्लेट गिवन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है.